आज मेरे पास नोकिया का मॉडल नंबर 1059 वाटर डैमेज आया है। ये मोबाइल पानी में गिरा हुआ था, सेट चालू नहीं हो रही है। आज बना के देखते हैं इसको, क्या इसमें खराबी है। चलो खोल के देखते हैं इसे। देखो यहाँ पर प्रॉब्लम आया है, वाटर डैमेज है पानी की वजह से। यहाँ पर सल्फर जम गए हैं, रिमूव कर देते हैं इसके पिन वगैरह।
मोबाइल थिनर आता है ये वाला साफ करने का। इसको अच्छी तरीके से थिनर से साफ कर लेते हैं। पहले इसका कैमरा रिमूव कर लेते हैं। थिनर आता है साफ कर लेते हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से। ये इसके कीपैड इसको भी साफ कर लेते हैं अच्छे से। ये डिस्प्ले के पास सल्फर जमा था ये दिख रहा है अभी भी अच्छी तरीके से। इसको अच्छे से साफ कर लेते हैं। पहले क्या करते हैं ब्रश से हल्का थिनर यूज़ कर लेते हैं। फिर उसका सोल्डिंग आयरन गर्म है हम सुखाने के लिए फास्ट सुखाने के लिए इसे बोर्ड थिनर अभी साफ किया हमें गीला हुआ है। इसको सुखाने के लिए गर्म से रख देते हैं फास्ट सूख भी जाएगा जल्दी सूख जाएगा अच्छे से। ब्लोअर भी सुन हार्ड गन यूज़ नहीं कर रहे हैं। हार्ड गन है लेकिन मैं लाना भूल गया हूँ। इस होल्डिंग से ही जो गर्म करके ये सूख गए हैं तुरंत सूख गए। क्योंकि ये ओरिजिनल थिनर है ये
मोबाइल साफ करने के लिए ओरिजिनल थिनर ही यूज़ करना, कई डुप्लीकेट भी मार्केट में है। थिनर ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है ये पता करने के लिए थिनर को थोड़ा सा बाहर निकाल के उसमें गैस सिलेंडर वाला जो हम लोग घरेलू यूज़ करते हैं, जो लाइटर आता है उसमें, अगर लाइटर से अगर आग पकड़ देता है तो समझो ओरिजिनल है। और माचिस से भी जैसे अपन यूज़ करके देखते हैं, अगर नहीं जल रहा है तो नॉर्मल पानी है, और आग तुरंत पकड़ लिया गैस की तरह जलता है तो समझो ओरिजिनल थिनर है। अच्छी तरीके से सूख गया है, एकदम फ्रेश सूख। अभी तुरंत सूख गया, ये भी सूख के अच्छी तरीके से हल्का सा नमीपन है वो निकल जाएगा। अभी बरसात का मौसम चल रहा है, इसी दौरान मेरे दोस्त के पास ये सेट यूज़ कर रहा था, वो पानी में भीग के करके बता रहा है। मेरे पास लाख छोड़ा देखने के लिए क्या है इसमें दिक्कत, पहले तो इसके थिनर से अच्छे साफ सफाई करके लगा के फिटिंग करके चेक करेंगे चालू होता है कि नहीं होता है। पहले स्टेप में चालू करके देख लेते हैं, फिर और कोई दूसरा टेक्निक से इसको चालू करेंगे। अभी फिलहाल नॉर्मली जो आता है खराबी, थिनर से साफ सफाई करके सुखा के अच्छे से ये सूख गए अच्छे तरीके से, शूटिंग हटा देते हैं यहाँ से। डिस्प्ले पिन लगा लेते हैं, यहीं पर वाटर डैमेज का पूरा पानी आया था, पूरे यहाँ पर सल्फर जमा हो गया था, उसको साफ तो कर लिए हैं। चालू करके देखते हैं, अभी दो कीपैड नहीं लगाए हम, भूल गए, दोबारा करते हैं करते हैं।
चेक करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ मोबाइल का जो पावर सप्लाई चेक करने का आता है, ये वाला वोल्टेज पावर सप्लाई जो मोबाइल के लिए यूज़ करते हैं, ये यूज़ कर रहा हूँ चेक करने के लिए। देखते हैं चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा कोई अभी रीडिंग तो अभी बता नहीं रहा है, कुछ भी रीडिंग नहीं बता रहे हैं। ऑन ऑफ स्विच बगल में दिया हुआ है, फिर भी नहीं, कुछ शो नहीं कर रहा है। और अच्छे से देखते हैं इसको क्योंकि ये पानी में भीगा हुआ है। और अच्छे से थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं दोबारा। जहाँ पर हल्का डैमेज था वहाँ पर एकदम क्लीन कर लिए हैं। उसके बावजूद भी साफ करके गर्म करके लगाए, काम नहीं किया। और इसको थोड़ा गर्म करते हैं सोल्डिंग आयरन से, ये सबसे आसान तरीका। बस 2-3 मिनट लगेगा ये गर्म होगा हल्का सा। हार्ड गन मैं भूल गया हूँ लाने के लिए, मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ, नया तरीका है ये यूज़ करने का। थोड़ा देर अच्छे से गर्म होने दें उसको।
अच्छे से गर्म हो गया है ये। डिस्प्ले पत्ता, ये कीपैड पत्ता, ला दिए नेटवर्क पिन, दोबारा चेक करते हैं। अभी भी चालू नहीं हुआ सर। बैटरी भी लगा कर चेक कर लिए, बैटरी फिर चेक करते चार्ज है कि नहीं है। एक नॉर्मल एलईडी यूज़ कर रहा हूँ मैं। बैटरी चालू है, चालू नहीं हुआ।
एक बार लास्ट और इसको थिनर से की यूज़ करके देखते हैं, नहीं आएगा तो पूरा फिर बोर्ड को मल्टीमीटर से चेक करेंगे। एक बार लास्ट आसान तरीके यूज़ कर लेते हैं थिनर से, हो सकता है कहीं अभी भी पानी का इसमें कहीं से अच्छा से साफ नहीं हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत जमा हुआ था पानी का, सल्फर जम गया था, हो सकता सल्फर की वजह से नहीं है। इसको और अच्छे से साफ कर लेते हैं। और अच्छे से इसको सोल्डिंग में गर्म करके रख लेते हैं, फिर उसके बाद नहीं होगा चालू तो फिर इसको मल्टीमीटर से पूरा एक एक पावर सप्लाई सिस्टम को पूरा चेक करेंगे। दो तीन मिनट लगेगा, दो तीन मिनट गर्म कर लेते हैं। ये गर्म हो गया अच्छे से, दोबारा चेक कर लेते हैं।
सैमसंग की बैटरी यूज़ करके देख रहा हूँ उसमें कहीं हो जाए चालू। अभी भी चालू नहीं हुआ ये, सब कोशिश कर लिए, नॉर्मल कोशिश है ये, उसके थ्रू अब बोर्ड को चेक करना पड़ेगा कि बोर्ड में और कुछ दूसरा आईसी वगैरह प्रॉब्लम थोड़ी हो गया है। एक बार और मल्टीमीटर से चेक कर ले रहा हूँ, मल्टीमीटर में भी कोई रीडिंग नहीं आ रही है, थोड़ा सा रीडिंग आता है कुछ भी। अभी थोड़ा रीडिंग बताना चालू किया है, उससे पहले कुछ भी रीडिंग नहीं शो कर रहा था। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो करके ये पर हम लोग पहले इसको अच्छे से चेक करके नेक्स्ट वीडियो में इसको बाकी कुछ स्टेप को देख बताऊँगा आपको। बाकी जो नॉर्मल तरीके से चालू नहीं हुआ मोबाइल, पानी से पूरा भीगा हुआ था, पूरा पानी में डूब गया था, ये डूबा हुआ था, पानी जैसे गिर रहा था
समझ आने, जेब में रखा था दोस्त का, प्रूफ भीग गया था, उसके साथ भी मोबाइल भी प्रूफ भीगा हुआ था। ये ऐसे भी नॉर्मल तरीके से चालू नहीं हुआ, अपने थिनर से साफ वाफ कर पूरा गर्म वर्म करके चेक करके देख लें। बाकी और जो स्टेप हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि इसको कैसे हैं, इसको पहले से और अच्छे से चेक कर लेता हूँ। ये वीडियो देखते देखते आप बोर हो जाएंगे, फिर लंबा वीडियो हो गया, फिर बना नहीं सेट, पहले चेक कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगा पानी डूबने में से और क्या क्या खराबी हुआ था।